अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं फराज अहमद फारूकी आपका फिर वेलकम करता हूं हमारे चैनल लाइफ इन गल्फ में। दोस्तों, आज जिस जगह पे हम आए हैं ना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। कतर की बेपनाह खूबसूरत जगहों में से एक जगह है ये। इसे कहते हैं मीना डिस्ट्रिक्ट और ये ओल्ड दोहा पोर्ट भी है इधर। और इस जगह की ख़ास बात यह है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो घर हैं आपको कलरफुल दिख रहे होंगे। ये देख, ये ग्रीन कलर का है, ये येलो कलर का है, ये आपका पिंक कलर का है, और भी बहुत सारे कलर के घर हैं यहाँ पे। तो ये जो एरिया है ना, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। मैं बड़े दिनों से चाह रहा था कि इस एरिया में आऊँ, इस यहाँ की एक वीडियो बनाऊँ आके। चलो आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया आने का। चले सैर करते हैं मीना डिस्ट्रिक्ट की ओल्ड दोहा पोर्ट भी कहते हैं इसे। चलें, ये देखें क्या प्यारी जगह है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के घर यहाँ पे बने हुए हैं और ये पूरा जो है वो पूरा इनके ओल्ड टाइप के घर बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पे घूमने आते हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंट्रीज से। ये देखें आप। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है दोस्तों कि ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं ना, ये कोई घर नहीं है, ये सिर्फ शॉप्स हैं। यहाँ पे पूरा मार्केट है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे हैं। ये ज्वेलरी की शॉप है, ये अलग शॉप है, मतलब अलग अलग तरीक़े की शॉप यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ ये इन्होंने एक टूरिस्ट प्लेस बनाया हुआ है। समंदर के नीचे भी एक घूमने का एरिया है, वॉकिंग एरिया। और ये समंदर है पूरा, देखें आप। सुभान अल्लाह, अगेन ये वही स्टेडियम जो हमें बार बार दिखाई देता है। मेरी सारी वीडियो में आपको ये स्टेडियम दिखेगा। ये देखिए किस कदर प्यारी जगह है। ये सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है वैसे। एक प्यारी सी मस्जिद है, मस्जिद जो है वो पूरी वाइट कलर की है। शाम का टाइम है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। ये फिश मार्केट है, और आपको फिश मार्केट देखना है। चलें फिश मार्केट के अंदर भी चल के देख के आते हैं कि किस टाइप का फिश मार्केट है ये। देखें आप मछली बाज़ार, देख रहे हैं आप। एक यहाँ का मछली बाज़ार है और एक हमारे इंडिया का मछली बाज़ार होता है। फ़र्क देखें आप मछली बाज़ार के अंदर। मछलियाँ भी ऐसी रखी हुई हैं जैसे अभी उठा के खा लो इनको। क्या बढ़िया फैसिलिटीज हैं यहाँ। अल्लाह ताला हमारे इंडिया को भी एक दिन इंशाल्लाह ताला ऐसा ही करेगा, इसी टाइप से फैसिलिटीज होंगी वहाँ पे भी।
और एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कतर में नहीं हूँ, मैं किसी अलग ही यूरोपियन कंट्री के अंदर हूँ। ये देखें आप, एक आर्ट हाउस, आर्ट गैलरी, और यहाँ पे सारी आपको यूनिक एंटीक आइटम मिलेंगे। ये मीना होटल है। थैंक यू, मैंने अभी इनसे परमिशन ली है शॉप की एंटीक आइटम्स की वीडियो कैप्चर करने के लिए, इन्होंने हमें परमिशन दी है। लेकिन प्यारी प्यारी चीज़ें रखी हुई हैं, सारे एंटीक आइटम हैं। हाउ मच इज दिस दिस बर्ड? 6,300 रियाल की ये बर्ड जो आपको दिख रही है, इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करें तो ये बन जाते हैं तकरीबन 1,20,000-25,000 रुपीज़। एक ब्लॉगिंग चल रही है, देखें। सिंगर है भाई साहब। अजान हो गई है मगरिब की। कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। फ्रेंड्स नमाज पढ़ ली है, अब थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करते हैं और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह मतलब कहीं और चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब रात का मंजर देखें आप, दिन का आपने देखा, अब रात का देखें आप। लैंप्स देखें आप यहाँ के, एंटिक, हर चीज एंटिक है। तो
रात का समंदर का नज़ारा भी देख लें। बोट आ रही है, ओ वाटर कार, ये है वाटर कार जो सिर्फ आपको कतर में, दुबई में, इन जगहों पे ही देखने को मिलेगी। तो ये देखें दोस्तों, ये बाहर से मीना डिस्ट्रिक्ट का पूरा नज़ारा, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा। और इस सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, अगेन ये है न्यू दोहा, इसे वेस्ट बे कहा जाता है। एक्चुअली में मुझे पता चला है कि इस जगह का नाम वेस्ट बे है। टाइम मिला तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी चलेंगे, घुमा के लेके आऊँगा वहाँ पे भी आपको। बहरहाल जहाँ पे हैं वहीं पे एंजॉय करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, एक जगह और आए हैं हम, मीना डिस्ट्रिक्ट के पास ही एक जगह है जहाँ पे ये पूरा टोटल एरिया जो है ये कंटेनर से कवर्ड है। कवर्ड नहीं है मतलब कंटेनर्स रखे हुए हैं, और इन कंटेनर्स में आई थिंक फूड शॉप्स हैं। ये बहुत प्यारी जगह है, ये भी आई थिंक ये फूड स्ट्रीट है। ये सारे देखें रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पे। एक अलग डिफरेंट लुक दिया हुआ है इन सब चीज़ों का भी। चलें देखते हैं। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा आपको मीना डिस्ट्रिक्ट? होप आपको खूब मज़ा आया होगा घूमने में मेरे साथ। तो चलें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। सलाम अलैकुम।